गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इन पीरियड 17। पीरियड 17 में क्या है बेटा आपका जो टॉपिक्स है, स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह या विक्षुब्ध प्रवाह, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग, रेनॉल्ड्स नंबर, आइडियल लिक्विड यानी आदर्श द्रव और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए बेटा, स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, जब कोई देखिए इसके पहले समझेंगे, सबसे पहले समझिएगा आइडियल लिक्विड यहाँ पर होना चाहिए। आइडियल लिक्विड क्या होता है, जब देखिएगा स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि उसके सभी कण एक ही बिंदु से एक ही वेग से गुजरते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि उसके कण जो होते हैं विभिन्न मार्गों से विभिन्न वेग से क्या होते हैं, गुजरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड पासेस थ्रू ए सेम पॉइंट नोन एज ए स्ट्रीम लाइन फ्लो, बट मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड पासेस डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी नोन एज ए टर्बुलेंट फ्लो। जैसे आपने चींटियों को चलते हुए देखा होगा, तो चींटियां एक के पीछे एक चलती हैं, तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। और जैसे आपने पाइपलाइन में पानी को बहते हुए देखा होगा, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। लेकिन जब बरसात का पानी होता है या बरसात का पानी बहता है, तो उसकी कोई दिशा नहीं होती, जिस डायरेक्शन में चाहता उस डायरेक्शन उसका फ्लो होने लगता है, उसे क्या कहते हैं आप, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। जैसे कि आप फिल्म देखने जाते हैं, टॉकीज में एंट्री आपकी लाइन लगा के होती है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। लेकिन जब फिल्म छूटती है, तो कोई एक लाइन से नहीं निकलता, वहां से जिसको जहां जगह मिलती है वहां से निकल जाता है, तो ये आपका विक्षुब्ध प्रवाह हुआ, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो हुआ। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, द्रव का वो वेग जिसके नीचे वो क्या होता है, आपका धारा रेखीय प्रवाह होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। दी वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वे कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड अप टू स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड अबव टू टर्बुलेंट फ्लो नोन एज ए क्रिटिकल वेलोसिटी, और क्रिटिकल वेलोसिटी को आप VC से डिफाइन करते हैं। इसके बाद आता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, बेटा रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब द्रव किसी भी ट्यूब से बहता है, किसी नली से बहता है, तो एक निश्चित सीमा के बाद उसका प्रवाह धारा रेखीय नहीं रहे, प्रवाह की दर के बाद एक उसका प्रवाह क्या होता है, धारा रेखीय न होकर के विक्षुब्ध हो जाता है। और ये इसके निर्धारण के लिए एक संख्या को माना गया, जिसे रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। ये विमाहीन संख्या होती है। अगर ये आकारी पशु होता है, रो बी सी अगली अपान बीटा, आर ई आपका रेनॉल्ड्स नंबर है, रो डेंसिटी आप लिक्विड है, बी क्रिटिकल वेलोसिटी है, नीटा जो है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ द लिक्विड है। देखिएगा व्हेन ए लिक्विड फ्लो टू ए कैपिलरी ट्यूब देन आफ्टर इलिमिनेशन ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, इट्स फ्लो इज नॉट स्ट्रीम लाइन बट टर्बुलेंट फ्लो। इसके डिसाइड करने के लिए कब इसका प्रवाह आपका फ्लो आपका क्या कहते हैं स्ट्रीम लाइन होगा और टर्बुलेंट होगा, इसके लिए एक नंबर को कंसीडर किया गया नोन एज ए रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड नीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आरवी की वैल्यू अगर जो होगी बेटा, अगर 2000 से लेस देन 2000 कम है तो स्ट्रीम लाइन होगा, और आरई इज ग्रेटर देन 2000 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा। यानी अगर आरई का मान 2000 से कम है तो क्या होगा, धारा रेखीय प्रवाह होगा, और अगर 2000 से ज्यादा है तो
क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, यानी कि इसका प्रवाह कैसा होगा, आपका विशुद्ध होगा। तो एक बार फिर समझ लेते हैं सारी बातों को हम। देखिएगा स्टीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। व्हेन ए लिक्विड पासेस थ्रू ए इज मॉलिक्यूल्स पासेस सेम पॉइंट एंड सेम पाथ नोन एज ए स्टीम लाइन फ्लो, बट मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड पासेस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स एंड डिफरेंट पाथ नोन एज ए टर्बुलेंट फ्लो। यानी जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि उसके अणु जो होते हैं एक ही बिंदु से एक ही मार्ग से गुजरते हैं एक ही वेलोसिटी, तो उसे कहते हैं हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। और जब विशुद्ध प्रवाह क्या होता है, जब कोई द्रव के गुण इस द्रव के अणु इस प्रकार बहते हैं कि वो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरते हैं, विभिन्न बिंदुओं से होकर गुजरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विशुद्ध प्रवाह कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है कि वेग का वो निश्चित मान, द्रव के वेग का वो निश्चित मान जिससे नीचे उसका प्रवाह धारा रेखीय होगा और उससे ऊपर क्या हो जाएगा, विशुद्ध प्रवाह हो जाएगा। ए कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ लिक्विड अप टू इट्स फ्लो इज स्ट्रीम लाइन, अबव टू इट्स फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो, नोन एज ए क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय दिस। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, क्या जब कोई द्रव किसी ट्यूब से किसी नली से बहता है, जब किसी नली से कोई द्रव बहता है तो एक निश्चित प्रवाह की एक निश्चित सीमा के बाद उसका प्रवाह रेखीय नहीं रह जाता है, वो एक क्या होता है, विशुद्ध प्रवाह हो जाता है। और विशुद्ध प्रवाह हो जाता है यही निश्चित सीमा को, कब उसका प्रवाह आपका विशुद्ध होगा, कब आपका रेखीय होगा, इसके लिए एक विमाहीन संख्या को का बोध किया गया, निर्धारित की गई, इसे हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। RE की वैल्यू अगर 2000 से कम है तो उस कंडीशन में इसका प्रवाह स्ट्रीम लाइन होगा, यानी धारा रेखीय होगा। अगर इसकी वैल्यू 2000 से ज़्यादा है तो यह इसका प्रवाह कैसा होगा, विशुद्ध होगा। ये जो होता है रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है, आपके द्रव के घनत्व, क्रांतिक वेग, श्यानता और नली के व्यास पर निर्भर करता है। तो इससे फार्मूला बनता है RE = ECT/ηA। When a liquid passes through a tube, then a limitation of flow is flow not is streamlined but becomes turbulent flow। इसको डिसाइड करने के लिए कई कंसीडर किया गया नंबर नोन एज ए रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। इफ RE इज ग्रेटर लेस देन 2000 इस फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, बट RE इज ग्रेटर देन 2000 इस फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो। इसके बाद होता है आइडियल लिक्विड क्या होता है बेटा। आइडियल लिक्विड यानी आदर्श द्रव क्या होता है, असंपीड और आसयान द्रव को आदर्श द्रव कहते हैं। यानी जिस द्रव में दो गुण पाए जाएंगे, असंपीडता और आसयानता, असंपीडता और आसयानता, उसे हम आदर्श द्रव कहेंगे। यानी कि आदर्श द्रव का मतलब हो गया आदर्श आइडियल लिक्विड हो गया आपका, क्या हो गया, आइडियल लिक्विड हो गया। यानी असंपीड और आसयान द्रव आदर्श द्रव कहलाता है। नॉन विस्कस एंड नॉन कंप्रेसिबल नोन एज ए आइडियल लिक्विड। असंपीडता क्या होती है, यानी कि इम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है बेटा, कि असंपीडता यानी दाब परिवर्तित करने पर भी उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, असंपीडता कहते हैं। किसी लिक्विड का प्रेशर चेंज करेंगे और वॉल्यूम चेंज ना हो तो उसको और प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबिलिटी बोलेंगे। द्रव के जिस गुण के कारण उसके परतों के मध्य क्या कहते हैं, ऐसा द्रव जिसके परतों के मध्य कोई सापेक्ष गति उत्पन्न नहीं होती है उसे असंपीडता कहते हैं। ऐसा लिक्विड जिस गुण के कारण उसके परतों के मध्य यानी कि कोई भी रिलेटिव मोशन ऑफ लेयर बिटवीन डेवलप नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, नॉन विस्कोसिटी कहेंगे। यानी ऐसा द्रव जिसमें असंपीडता और असंपीडता दो गुण पाए जाते हैं उन्हें हम आदर्श द्रव कहते हैं। विच लिक्विड इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड नोन एज ए आइडियल लिक्विड। इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, यानी अविरतता का सिद्धांत। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है बेटा, देखिएगा
आवर्तता का सूत्र देखो अवृतता के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव असमान परिच्छेद की नली से धारा रेखीय प्रवाह में गुजरता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के वेग का गुणनफल नियतांक होता है। अवृतता के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव असमान परिच्छेद की नली से धारा रेखीय प्रवाह में गुजरता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के वेग का गुणनफल नियतांक होता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी व्हेन ए स्ट्रीम लाइन व्हेन ए आइडियल लिक्विड फ्लो इन ए स्ट्रीम लाइन और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब देन ईच पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड रिमेंस कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी व्हेन ए आइडियल लिक्विड पासेस थ्रू When an ideal liquid passes through a tube in a streamline of different cross-section area, then at each point of the tube, the product of cross-section area and velocity of the liquid remains constant. यही बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी अवृतता का सिद्धांत है। इसको प्रूव कैसे करेंगे? मान लीजिए एक आपकी असमान परिच्छेद की नली है, इसके एक्स वाई दो सिरे हैं और यहाँ पर द्रव का वेग v1 और द्रव का वेग क्रमशः v1 v2 है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a1 a2 है। We consider a tube of different cross section area respectively a1 a2 and ideal liquid flow from the tube in streamline with velocity v1 and v2। देखिएगा पर सेकेंड जो इससे एंट्री करने वाला आपका रन है, एंटर करने वाले लिक्विड की क्वांटिटी m1 है, a1 v1 जो और एडजस्ट करने वाले क्वांटिटी कितनी होगी यानी प्रवेश करने वाले द्रव की मात्रा पर सेकेंड और निकलने वाले द्रव की मात्रा पर सेकेंड m2 है, a2 v2 रो। अब देखिएगा जितनी क्वांटिटी इससे अंदर प्रवेश करेगी उतनी क्वांटिटी बाहर निकलेगी यानी इंटर और एडजस्ट क्वांटिटी दोनों इक्वल होंगी। दैट इज मीन m1 इक्वल्स टू m2, a1 v1 रो इक्वल्स टू a2 v2। That is when A1 B1 equals to A2 B2, यानी AB equals to क्या होगा? Constant, यानी कि यही अवृतता का सिद्धांत है। तो इसमें क्या बताया? मान लीजिए एक्स वाई दो असमान परिच्छेद की नली के दो सिरे हैं, जब कोई आदर्श द्रव इससे असमान परिच्छेद की नली से गुजरता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर जो होता है इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के वेग का गुणनफल नियतांक होता है। तो देखिएगा मान लीजिए एक्स वाई दो नली के सिरे हैं जिनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए वन ए टू है, द्रव का वेग वी वन वी टू है। जब द्रव वी वेग से क्या कहते हैं इससे इस धारा रेखीय प्रवाह में गुजरता है तो एक्स बिंदु से प्रवेश प्रति सेकेंड द्रव प्रवेश करने वाले द्रव की मात्रा एम वन है और निकलने वाले द्रव की मात्रा एम टू है। तो m1 equals to a1 v1 रो, m2 equals to a2 v2 रो। तो m1 equals to क्या होगा? m2 होगा। दोनों को वैल्यू रखेंगे तो इसको होगा ab equals to constant। We consider a different cross section area of a tube respectively a1 a2 when a ideal liquid in a flow in a stream line by from the tube flow from the tube its velocity respectively v1 and v2 at point x and y। m1 is a क्वांटिटी ऑफ द यूनिट इंटर पर सेकेंड इन द ट्यूब एंड एम टू इज द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड एडजस्ट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। एम वन इक्वल्स टू एम टू होगा तो आई वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू यानी ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा? कॉन्स्टेंट आ जाए बेटा। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है।
इसके न्यूमेरिकल के लिए एक पॉइंट और देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए वन बी वन इक्वल्स टू ए टू बी टू है, पाई आर वन स्क्वायर बी वन, पाई आर टू स्क्वायर बी टू, पाई टू पाई कैंसिल, आर वन स्क्वायर बी वन इक्वल्स टू आर टू स्क्वायर बी टू, तो यहाँ से आएगा बी वन बी ऊपर बी टू अपॉन बी वन इक्वल्स टू आएगा बी टू अपॉन बी वन इक्वल्स टू आएगा आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम है, इन केस अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कम है तो द्रव का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। पतली नली में द्रव का वेग ज्यादा होगा, चौड़ी नली में द्रव का वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब, यानी द्रव का वेग नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाति होता है। देखिएगा, सेकेंड टॉपिक एफटीन का टॉपिक है बेटा आपका एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इन ए स्टेडी फ्लो एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल, यानी किसी तहते हुए द्रव की जो क्या कहते हैं ऊर्जा कितनी होती है बेटा, तीन टाइप्स की एनर्जी होती है, वो होती है प्रेशर एनर्जी, दूसरा होता है आपका प्रेशर एनर्जी है नंबर वन प्रेशर एनर्जी, नंबर टू होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, नंबर थ्री होता है पोटेंशियल एनर्जी। लिक्विड की तीन एनर्जियाँ होती हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दाब ऊर्जा, गतित ऊर्जा और क्या होता है स्थितित ऊर्जा। देखिए फर्स्ट क्या है, प्रेशर एनर्जी क्या होता है, वी वॉल्यूम की जो प्रेशर एनर्जी होगी ये वर्ग डन के इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी वर्ग डन के इक्वल, यानी वी वॉल्यूम वी आयतन की दाब ऊर्जा जो होगी द्रव द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। एनर्जी ऑफ वी वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज ए वर्क डन ऑफ द लिक्विड, और ये होता है बेटा आपके पास फोर्स इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है फोर्स इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर वी होगा यानी पर सेकेंड दिया जाता है, इसलिए वेलोसिटी होगी आपकी, और एफ इक्वल्स टू क्या होता है ई इंटू ए होता है, ए और बी जो होगा पर सेकंड वॉल्यूम हो जाएगा, तो यूनिट वॉल्यूम की जो प्रेशर एनर्जी कितनी होगी बेटा, वी वॉल्यूम की एनर्जी आपके पास क्या आ गई, तो यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी कितनी होगी पी अपॉन बी अपॉन बी कैंसिल, तो यूनिट वॉल्यूम की जो एनर्जी आएगी प्रेशर एनर्जी कितनी होगी पी होगी। यानी कि किसी द्रव की दाब ऊर्जा की उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, द प्रेशर एनर्जी ऑफ ए लिक्विड ऑफ वॉल्यूम वी इज डिफाइंड एज ए वर्क डन, वर्क डन जो होता है ये पर सेकेंड होता है कि फ्लो होता है, तो फोर्स इंटू क्या हो गई वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी जो होता है पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा आपका, प्रति सेकेंड विस्थापन होता है वेग, तो यहाँ से ए एफ इक्वल्स टू पी इंटू ए रखेंगे, ए इंटू बी क्या होगा ए इंटू बी वॉल्यूम पर सेकेंड हो जाएगा, तो बी इंटू वॉल्यूम में प्रेशर एनर्जी कितनी हो जाएगी पी हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतित ऊर्जा, बी वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा हाफ एम बी स्क्वायर, यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास हाफ एम इंटू वी ये होगा अपान बी, और मास अपान वॉल्यूम क्या होता है बेटा, मास अपान वॉल्यूम ब्रह्मांड बटे आयतन क्या होता है घनत्व होता है, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, तो यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, वी आयतन की गतित ऊर्जा एकांक आयतन की गतित ऊर्जा ब्रह्मांड बटे आयतन क्या हो गया घनत्व हो गया। अब आता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी, तो वी वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी एम जी एच होगी बेटा, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा यानी स्थितित ऊर्जा एम जी एच अपॉन वी है, मास अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया डेंसिटी हो गया, तो यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा की रो जी एच, यानी कि यूनिट एकांक आयतन की गतित ऊर्जा
ऊर्जा ये है, एकांक आयतन की स्थित ऊर्जा ये, एकांक आयतन गतित ऊर्जा ये, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा ये। यानी जब कोई द्रव बहता है तो उसकी दाब ऊर्जा, गतित ऊर्जा और स्थित ऊर्जा ये होती है। यानी लिक्विड जो होता है उसमें तीन टाइप की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी दाब ऊर्जा, गतित ऊर्जा और क्या होगा, स्थितित ऊर्जा। ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल यानी कि बर्नौली का सिद्धांत या बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय या बर्नौली का सिद्धांत क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब वैज्ञानिक बर्नौली की प्रमेय के अनुसार या बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव असमान परिच्छेद की नली से धारा रेखीय प्रवाह में गुजरता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतित ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग नियतांक होता है। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव असमान परिच्छेद की नली से धारा रेखीय प्रवाह में गुजरता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतित ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग क्या होता है, नियतांक होता है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, व्हेन एन आइडियल लिक्विड पासेस थ्रू ए ट्यूब ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया एट ईच पॉइंट द सम ऑफ काइनेटिक प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट। व्हेन अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, व्हेन एन आइडियल लिक्विड पासेस थ्रू ए डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए ट्यूब इन स्ट्रीम लाइन एट ईच पॉइंट ऑफ द ट्यूब द समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पी, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। तो मान लीजिएगा एक्स वाई एक असमान परिच्छेद की नली के सिरे हैं और इनकी क्षैतिज से ऊंचाइयां एच वन एच टू है, परिच्छेद का क्षेत्रफल ए वन ए टू है। जब वो आदर्श द्रव इससे धारा रेखीय प्रवाह में गुजरता है तो इसका वेग क्रमशः वी वन वी टू होता है। We consider a tube of different cross section area of capital A1 and A2 and its height from the horizontal H1 and H2. H1 is greater than H2. When an ideal liquid flow in a streamline from
फ्रॉम द ट्यूब एंड इट्स वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई पी वन पी टू एंड प्रेशर पी वन एंड पी टू। तो देखिएगा वर्क डन क्या होगा, एक्स सिरे से प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय द लिक्विड इंटर बाय द एक्स इंटर। तो डब्ल्यू वन बराबर होगा ए वन बी वन पी वन और एडजस्ट यानी निकलने वाले द्रव द्वारा ए टू बी टू पी टू। तो नेट वर्क डन होगा डब्ल्यू वन माइनस क्या होगा डब्ल्यू टू होगा। नेट वर्डन क्या होगा डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू। तो यह आएगा बेटा आपके पास ए वन बी वन पी वन माइनस ए टू पी टू पी टू। आपको मालूम है ए वन बी वन इक्वल टू ए टू पी टू इक्वल टू एम अपान टू। प्रिंसिपल आप मानते हो कि यानी आवृत्ता के सिद्धांत से। तो आएगा बेटा एम अपान टू इंटू पी वन माइनस एम अपान टू इंटू पी टू। डब्ल्यू इक्वल टू एम अपान टू कॉमन कर लीजिए माइनस पी टू इक्वेशन नंबर थर्ड। इतने बात समझ आ गई बेटा। पहले मैंने डब्ल्यू वन निकाला उसके डब्ल्यू टू निकाला नेट वन नेट ने निकाला डब्ल्यू वन माइनस क्या हो गया डब्ल्यू टू आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे ए वन बी वन रो माइनस ए टू बी टू रो। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी आवृत्ता का सिद्धांत ए वन बी वन बराबर ए टू बी टू एम अपान रो वैल्यू कॉमन कर लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब देखिए बेटा एच वन या एस ग्रेटर देन एच टू यानी कि जब लिक्विड फ्लो होकर के एक्स से वाई पॉइंट तक जाएगा तो इसकी हाइट क्या होगी डिक्रीज होगी। डेट इज मीन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और कैनेटिक एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो चेंज इन कैनेटिक एनर्जी जो आएगा बेटा आपके पास इक्वल टू होगा हाफ एम बी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम बी वन स्क्वायर इक्वेशन नंबर फोर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू क्वेश्चन नंबर फाइव। अब जो इसमें ध्यान दीजिएगा नेट वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा यानी द्रव द्वारा किया गया जो कार्य होगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि और स्थित ऊर्जा में कमी के अंतर के बराबर होगा। तो यहां से डब्ल्यू इक्वल टू होगा के ई माइनस ई ई। अब वैल्यू लिखेगा आराम से एम अपान रो पी वन माइनस पी टू हाफ एम पी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम पी वन स्क्वायर माइनस एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू। आप देखिए एम को कॉमन ले लीजिएगा यहां से कैंसिल कर देंगे एम को कॉमन लेकर ये आएगा हाफ बी टू स्क्वायर माइनस हाफ बी वन स्क्वायर माइनस जी एच वन माइनस जी एच टू। एम से एम कैंसिल हो गया। अब बेटा रो का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बी वन माइनस बी टू इक्वल टू हाफ रो बी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो बी वन स्क्वायर माइनस रो जी एच वन माइनस माइनस प्लस होगा प्लस रो जी एच टू। बेटा वन वाले टर्म एक तरफ कर लो टू वाले टर्म दूसरी साइड कर लो तो आएगा बी वन प्लस हाफ रो बी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन बराबर पी टू प्लस हाफ रो बी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। अब इसी को आप लिख सकते हैं क्या पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट यही है बर्नौली की प्रमेय। तो एक बार फिर समझेंगे कि बर्नौली की प्रमेय क्या है। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव असमान परिच्छेद की नली से धारा रेखीय प्रवाह में गुजरता है तो बेटा नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा पी गतिज ऊर्जा स्क्वायर और इसे ऊर्जा रोजी एच का योग एक नियतांक होता है।
अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल व्हेन एन आइडियल लिक्विड पासेस थ्रू ए क्रॉस डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब इन स्ट्रीम लाइन देन ईच पॉइंट ऑफ द ट्यूब द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी कैनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी पी कैनेटिक एनर्जी हाफ रू वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी रू जी एच ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो देखिए पहले आपने एक्स एंड से इंटर करने यानी प्रवेश करने द्रव द्वारा कार्य निकाला, यहां से निकलने यानी एडजस्ट करने द्रव द्वारा कार्य निकाला, उसका कुल कार्य यानी कि डब्ल्यू निकाल लिया, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एम माइनस डब्ल्यू टू वैल्यू रखा, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी अवस्था का सिद्धांत लगाया, वैल्यू रख के इसको कॉमन कर लिया। अब यहाँ देखिए एच वन इज ग्रेटर देन एच टू है, यानी कि जब लिक्विड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा द्रव एक्स से वाई दूर तक जाएगा तो इसकी स्थिर ऊर्जा कम होगी, जो ऊंचाई कम हो रही है गतिज ऊर्जा क्या होगी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा गतिज ऊर्जा हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, जब वृद्धि होती है तो अंतिम से प्रारंभिक घटाते हैं, कमी होती है तो प्रारंभ से अंतिम घटा देते हैं, इंक्रीजमेंट होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल और इंक्रीज होता है तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। तो इन डब्ल्यू क्वेश्चन नेट वर्क क्या होगा डिफरेंस बिटवीन कनेक्टिव एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि और इसके ऊर्जा में कमी के बराबर होगा, सभी की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले कैंसिल करेंगे, रो का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे वन वाले टर्म एक साइड टू वाले टर्म अदर साइड, तो इसे भी लिख सकते हैं क्या आएगा पी वन प्लस हाफ ओ बी वन स्क्वायर प्लस ओ जी एस टू पचपन बराबर पी टू प्लस हाफ ओ बी टू स्क्वायर प्लस ओ जी एस टू, यानी पी प्लस हाफ ओ बी स्क्वायर प्लस ओ जी एस कुछ तो क्या होगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। बताए दाब सेल्स वेग सेल्स और गुरुत्व सेल्स,
ये पॉइंट न्यूमेरिकल क्लियर है बेटा, ये सारे पॉइंट जो बताए हैं मैंने न्यूमेरिकल क्लियर बताए हैं। दाब सेल्स, वेग सेल्स, पृथ्वी सेल्स यानी प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड, बात समझ में आ गई। थैंक यू बेटा, तो इसको आपको सारे वीडियो देखने हैं, उसको करके आपको भेजना है। थैंक यू।